हेलो यूट्यूब, दिस इज गणेश। आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग, रिव्यू और टेस्टिंग करने वाले हैं सनशाइन ब्रांड के रॉकस्टार फाउंटेन्स की। इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। नीचे लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं इस रॉकस्टार फाउंटेन को। आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर लिखा है सनशाइन, बीच में रॉकस्टार और नीचे कंपनी का नाम। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग क्वालिटी है दोस्तों इसकी। इसके ऊपर प्लास्टिक की रैपिंग भी लगी है और MRP लिखी है 480 रुपीज़, लेकिन हमें यह बॉक्स पड़ा था 160 रुपीज़ का। एक बॉक्स पे लिखा है 2 पीस देखने को मिलेंगे हमारे को एक बॉक्स के अंदर। और ओवरऑल दोस्तों काफ़ी सुंदर लग रहा है यह बॉक्स। मुझे लगता है अंदर की जो चीज़ होगी, जो फाउंटेन होगा दोस्तों, वो भी काफ़ी सुंदर होगा देखने को। साथ ही साथ बॉक्स के ऊपर दोस्तों बराबर इसे जलाने का तरीका भी दिया गया है, जो कि हमें फॉलो ज़रूर करने चाहिए। और छोटे बच्चे को पटाखे थोड़ी सावधानी से और अडल्ट सुपरविजन में ही चलाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी प्लास्टिक रैपिंग हटाकर इसे अनबॉक्स करना शुरू करते हैं। मुझे इस प्रकार के क्रैकर्स काफ़ी पसंद आते हैं जो एकदम न्यू और यूनिक हो। ये काफ़ी न्यू आइटम है दोस्तों और इसका इफेक्ट मुझे लगता है काफ़ी धमाकेदार होगा। तो यहाँ पर प्लास्टिक रैपिंग खोलने का तरीका आसानी से खोल पाएंगे मतलब हम। तो यहाँ से हमने सारी की सारी प्लास्टिक रैपिंग हटा दी है, अब ऊपर से भी निकाल देते हैं। इसके ऊपर रेड डॉट्स बनी है तो मुझे लगता है इसका शायद रेड कलर का इफेक्ट होगा इस पटाखे का। 2 पीस हैं तो दोस्तों मुझे लगता है काफ़ी लंबा इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 80 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से हमारे को ये पड़ा है। तो हमने प्लास्टिक रैपिंग हटा दी है, चलिए इस बॉक्स को खोलते हैं दोस्तों। तो काफ़ी भारी है दोस्तों ये बॉक्स और अंदर 2 पीस की आवाज़ काफ़ी ज़ोरदार आ रही है और भारीपन बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भारी है। लगभग 2 kg का बॉक्स होगा ये। तो बॉक्स खोल दिया हमने दोस्तों और अंदर आप देख पाएंगे कुछ ही पलों में किस प्रकार के फाउंटेन्स है दोस्तों। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए टॉप पार्ट उन फाउंटेन्स का। तो टॉप पार्ट में ही लगेगी शायद आग, यहीं से हमको थ्रू स्पार्कलर्स इनको जलाना है। इनको कैंडल वगैरह से मत जलाए दोस्तों। तो स्पार्कलर्स या पेंसिल्स यूज़ करें इनको जलाने के लिए। तो 2 पीस दोस्तों कुछ इस प्रकार के हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। हम आज 1 पीस टेस्ट करके देखेंगे, जिसे मैं डबल कैमरा से रिकॉर्ड करूँगा और आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों काफ़ी सुंदर हैं ये। मैं 1 पीस आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार का है। इसका ऊपर का टॉप पार्ट थोड़ा सा टेढ़ा है, पर मुझे लगता नहीं उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। चारों तरफ से आप देख सकते हैं पीस को, इसके ऊपर गोल्डन इफेक्ट बना है। मुझे लगता है इसका क्रैकलिंग साउंड होगा फाउंटेन का। बेस काफ़ी सॉलिड और एकदम इवन, और बेस के ऊपर प्लास्टिक की रैपिंग भी लगी है दोस्तों। टॉप पार्ट में भी प्लास्टिक रैपिंग है, तो काफ़ी सेफ लग रहा है मुझे पटाखा। फिर भी हमको सावधानी तो रखनी ही चाहिए, काफ़ी भारी वजन है इसका दोस्तों। और ये देखिए टॉप पार्ट कुछ क्लोजअप में इस प्रकार का है। लगभग थोड़ा थोड़ा मटकानार की तरह लग रहा है, ये सिलेंड्रिकल मटकानार बोल सकते हैं इसे आप। और ओवरऑल काफ़ी सुंदर है। दूसरा पीस भी कुछ इसी प्रकार का है और ऊपर वाला पार्ट इस पीस का काफ़ी ईवन है और काफ़ी मज़ा आएगा इसे चलाने में। तो चलिए दोस्तों इसे टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये अनार तो मज़ेदार था। इसकी जो क्रैकलिंग आवाज़ थी दोस्तों बहुत ही ज़ोरदार थी। मुझे पता नहीं कैमरे में कम्प्लीटली इसकी साउंड आई है कि नहीं, पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार थी। मज़ा आ गया दोस्तों इसे चला के, पैसा वसूल है ये। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा लाइक एम जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक करके, जो कि है 1000 लाइक्स का। साथ साथ नीचे लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी इस वीडियो का मजा ले सकें। कमेंट करें आप बाकी का देखना चाहते हैं दोस्तों। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।